आज एक बार फिर कश्मीर में दहशत गर्दों ने निहत्ते लोगों का कत्ल आम किया। एक मेडिकल शॉप वाले को इन्होंने कत्ल किया और एक भेलपुरी वाले को इन्होंने कत्ल किया। मैं बोलता हूँ कौन सा इस्लाम, कहाँ का इस्लाम, कौन सी शरीयत इनको इजाजत देती है, ये कौन सा जहाद चल रहा है निहत्ते लोगों का कत्ल आम जिस तरीके से ये दहशत गर्द कर रहे हैं। ये वही 30 साल पहले की तारीख को दोहराना चाहते हैं जब हमारे पंडित भाइयों का कत्ल आम हुआ, जब इनकी असमतें लूटी गई, जब हकीकत में इनके घर जलाए गए। मैं समझता हूं इससे बड़ा और कौन सा जानवर होगा। इन्होंने मुसलमानों को बदनाम किया, इन्होंने दीन इस्लाम को बदनाम किया। कश्मीर के आवाम से मैं कहना चाहता हूं एक बार उठो, इस दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू करो, और इनको कश्मीर में रहने का कोई हक नहीं है। इन्होंने इस कश्मीर को जहन्नम बना के रखा है और इनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। हर एक के ऊपर ये फर्ज बनता है कि जहां पे भी गलत हो, जहां पे भी निहत्ते लोगों का कत्ल आम किया जाता है, क्या आज हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। हमें एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी है, और मैं मजम्मत करता हूं और उनके फैमिली के साथ मैं ताजियत करता हूं।